दोस्तों राउंड वन का रिजल्ट आ चुका है, तो जिन बच्चों को सीट मिल गई उनको कंग्रेचुलेशन, और जिनको सीट नहीं मिली वो पेशेंस रखें, अभी तो सेकंड राउंड बाकी है, स्टेट के भी राउंड बाकी हैं, तो उनको भी सीट मिल जाएगी, तो अपना धैर्य बना के रखें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर जिन स्टूडेंट ने एमसीसी के फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था तो अभी आगे क्या करना है, अगर उनको सीट मिल गई तो क्या करना है, सीट नहीं मिली तो क्या करना है, तो इस विषय पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट को राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली उनको अभी क्या करना चाहिए। तो जिन कैंडिडेट को राउंड वन में सीट नहीं मिली है वो राउंड टू के लिए एलिजिबल है, राउंड टू में वो अपने फ्रेश च्वाइस फिल करें। ध्यान रहे, राउंड टू में आपको चॉइस फिल करना जरूरी है, अगर आप चॉइस फिल नहीं करते हैं तो फर्स्ट राउंड में फिल की हुई चॉइस मान्य नहीं होंगी, आपको सेकंड राउंड के लिए फ्रेश चॉइस फिल करनी होगी, अदरवाइज आप राउंड से बाहर हो जाएंगे, आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी अगर आप सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस नहीं करते हैं तो। उसके बाद में वो अपने स्टेट के फर्स्ट राउंड भी देख सकते हैं, स्टेट में फर्स्ट राउंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो कंडीशन हो गई उन स्टूडेंट को जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है। अब जिनको सीट अलॉट हो गई है उनको क्या करना चाहिए, तो जिनको सीट अलॉट हो गई है आज इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद में अलॉटमेंट लेटर का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से एमसीसी की वेबसाइट से आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लें। अब इसमें भी दो कंडीशन बचती हैं, एक तो वो स्टूडेंट जिनको सीट तो अलॉट हो गई लेकिन उस सीट पर वो रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, मान लो कहीं उनको दूर की सीट मिल गई है, कॉलेज अच्छा नहीं है, भर तो दिया है उन्होंने लेकिन उनको अलॉट हो गई है, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उस कंडीशन में उनको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, अगर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो भी उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, यानी कि वो सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल है, अपने स्टेट्स के राउंड्स के लिए इलिजिबल है, इसके अलावा उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो उनको वापस मिल जाएगी, यानी कि जो फर्स्ट राउंड है फ्री एग्जिट राउंड है। फ्री एग्जिट का मतलब यही है कि आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहां फ्री एग्जिट कर सकते हैं, सेकंड राउंड के लिए आप इलिजिबल रहेंगे। और यही डाउट सबसे ज्यादा स्टूडेंट को रहता है, काफी स्टूडेंट इसी कंफ्यूज्ड में हैं कि उनको कहीं रिपोर्ट तो नहीं करनी है अगर वो नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर उस कॉलेज में अलोटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उसको नहीं लेना चाहते हैं, सेकंड राउंड में कोई दूसरी कॉलेज लेना चाहते हैं या फिर अपने स्टेट के राउंड देखना चाहते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है आपको उस कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करने की, आप नॉट रिपोर्टेड में आप उसमें काउंट हो जाएंगे। इसके बाद में अगर जिन कैंडिडेट को सीट मिल गई है, जिन कैंडिडेट को सीट अलॉट हो गई है और वो चाहते हैं कि इस सीट पर हम ज्वाइन कर लें और सेकंड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन दे दें, तो उनको इस कंडीशन में अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है वेबसाइट से, और डाउनलोड करने के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको जाना है कॉलेज में, जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है इस अलॉटेड कॉलेज में आपको रिपोर्ट करनी है, वहां डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है और वहां पर अपग्रेड का ऑप्शन देना है। तो आप सेकंड राउंड के लिए इलिजिबल हैं, सेकेंड राउंड में आप अच्छी कॉलेज उसमें टॉप की कॉलेज भर सकते हैं और आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है। मैं आपको यहां बता दूं कि अगर आप सेकेंड राउंड में यहां कॉलेज ज्वाइन करने के बाद सेकेंड राउंड में चॉइस फिल नहीं करते हैं तो फर्स्ट राउंड की सीट आपकी एज इट इज ही रहेगी, पहली कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन यह है कि आपको अगर सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड हो जाती है, जो आपने सेकेंड राउंड में सीटें भरी हैं वो अपग्रेड हो जाती है, तो पहले वाली सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी, वो किसी अन्य स्टूडेंट को मिल जाएगी, तो ये आपने ध्यान रखना है सेकेंड राउंड के टाइम में।
चॉइस फिल करते समय। तो इस प्रकार की कंडीशन है कि आपको अगर ये आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को स्टेट में इससे अच्छी सीट नहीं मिलनी है और मैं ये सीट को रिजर्व कर लूं, मतलब इस सीट को रखूं और सेकंड राउंड में इसका अपग्रेड हो जाए, अगर अपग्रेड भी नहीं होता है तो यही सीट रख लूं, तो इस कंडीशन में आप कॉलेज में रिपोर्ट करें, वहां डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएं और वहां अपग्रेड ऑप्शन दे दें ताकि आपका सेकंड राउंड में अपग्रेड हो जाए। अभी काफी सारे स्टूडेंट ने मैंने देखा है फर्स्ट राउंड की जो मैंने लिस्ट देखी है उसमें काफी स्टूडेंट ने एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद जैसी कॉलेजें छोड़ के बीजेएमसी कोटा जैसी कॉलेजें भी ली हैं। तो इस कंडीशन में उन स्टूडेंट के लिए सेकेंड राउंड में नुकसान हो सकता है। जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको तो सेकंड राउंड में नुकसान नहीं होगा क्योंकि सेकंड राउंड में काफी सारी सीटें खाली रहती हैं, लेकिन जो टॉप की दो तीन कॉलेज हैं जैसे एम्स दिल्ली हो गई, मौलाना आजाद हो गई, इनमें सेकंड राउंड में सीट वैकेंट रहने के चांसेस बहुत ही कम हैं, एक दो सीट ही वैकेंट रहती, वो भी रियर केसेस में। तो इस कंडीशन में उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी जो मौलाना आजाद या एम्स दिल्ली लेना चाहते हैं अपग्रेड के लिए। तो ये कंडीशन थी, इसमें आपको रिपोर्ट करना है नहीं करना है क्या करना है, बच्चों के काफी सारे इसमें डाउट्स थे तो ये मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, फर्स्ट राउंड एग्जिट राउंड है, इसमें आप ज्वाइन नहीं करते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी, नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल रहेंगे। लेकिन सेकेंड राउंड की जो आपने च्वाइस फिल करनी है वो बिल्कुल ही सोच समझ के करनी है। एक बार आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो गई उस पर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी है फॉरफिटेड हो जाएगी। इसके बाद में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बाकी काउंसलिंग के लिए आप इलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कंडीशन है कि आपको अभी फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट के बाद में क्या करना है। बाकी नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।